लंच का सारा काम निपटाकर अनुभा बेडरूम में कमर सीधी करने आ गई थी। वॉशरूम में चेहरा धोकर बिस्तर पर आई ही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। रघु का फोन, वो भी इस समय। स्क्रीन पर उभरते नंबर को देख मन ही मन सोचते हुए अनुभा ने जल्दी से फोन उठाया। रघु ने कहा, अनु यार एक गड़बड़ हो गई है। पति रघु की आवाज में काफी बेचैनी झलक रही थी। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी हो गई है? अब साफ साफ बोलिए ना, मन घबरा रहा है मेरा। अनु, दरअसल कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट को मैंने आज बातों ही बातों में घर पर डिनर के लिए सपरिवार इनवाइट किया और वो तुरंत तैयार भी हो गए। अरे ये तो खुशी की बात है, आपने बेवजह डरा ही दिया था। चलो तो फिर मैं करती हूँ रात के खाने की तैयारी, ये कहते हुए अनुभा मुस्कुरा रही थी। अनु अनु अनु, तुम्हें बात की गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। ये कोई तुम्हारे मायके धर्मगढ़ से तुम्हारे चाचा या मामा नहीं है, बल्कि मेरे बॉस है और देश की जानी मानी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। उनकी पत्नी नामचीन बैंकर है और दोनों लड़कियां नीदरलैंड में इंजीनियरिंग कर रही है। सारा परिवार वेस्टर्न कल्चर में पला बढ़ा है। उनके उठने बैठने का तरीका, खाने पीने और बातचीत का अंदाज बेहद स्टाइलिश है। रघु के स्वर में तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अनु ने वैसे तो इतिहास में एमए किया हुआ था, पर वो शुद्ध देहाती माहौल में पली बढ़ी थी। पिता और भाई खेती बाड़ी से जुड़े थे। अंग्रेजी में बातें करना या फिर कांटे की चम्मच से खाने का अंदाज उसे बिल्कुल नहीं पता था। पहनावे में शादी से पहले सलवार कमीज और शादी के बाद साड़ी पहनना ही घर की परंपरा रही थी, तो रघु के परेशान होने का कारण तो अनुभा को समझ आ गया था, पर खुद उसे मेहमानों के स्वागत में कोई भी कठिनाई नहीं दिखाई दे रही थी। अनुभा ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मैं किचन के कुछ सामान की लिस्ट आपको भेज देती हूँ, आप आते समय लेते आइए। अब जब उन्होंने आने का बोल ही दिया है तो स्वागत तो करना ही है। अनु ने रघु के तनाव को कम करने का प्रयास किया था। फोन रखने के बाद भी रघु उन पलों की कल्पना करके कांपा जा रहा था जब इतने ऊंचे लोग उसके घर में होंगे और अनुभा जैसी महिला देसी तरीकों से उनका स्वागत करेगी। पर तीर कमान से निकल चुका था। रघु ऑफिस से जल्दी ही निकल गया था ताकि अनु के मंगवाए सामान को लेकर जल्दी ही घर पहुंच जाए। सामान लेते समय भी रघु के दिमाग में कई तरह की आशंका चल रही थी। दिमाग में चल रहे ऊहापोह के कारण लौटते समय उसने अपनी गाड़ी गलत रोड पर ले ली थी। नतीजन उसे काफी लंबा यूटर्न लेना पड़ा। ट्रैफिक और गलत रास्ता पकड़ लेने की वजह से रघु को घर लौटने में घंटा भर ज्यादा लग गया था। घर पहुंचते ही कंपाउंड में बॉस की मर्सिडीज देखी तो वो दिसंबर की ठंड में पसीने पसीने हो गया था। घबराते हुए अंदर आया तो हॉल में कोई नहीं था, चाय के बस खाली कप पड़े थे, पर किचन से बातचीत का शोर जरूर आ रहा था। रघु जल्दी से किचन के पास पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा वो उसे ख्वाब सा लग रहा था। बॉस का पूरा परिवार अनुभा के साथ डिनर की तैयारी में लगा हुआ था। एक स्टोव पर भिंडी फ्राई हो रही थी तो दूसरे पर पुड़िया छन रही थी। आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार थी। बड़ी बेटी मिक्सी में धनिया पत्ती की चटनी पीस रही थी तो बॉस खुद प्याज काट रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी सारा काम बड़े आनंद के साथ कर रहे थे। अनुभा बड़ी सहजता के साथ सबको बताती जा रही थी कि किसमें कितना मसाला डालना है, भिंडी कितनी देर फ्राई करनी है, अदरक कहाँ रखा है और काला नमक किस डिब्बे में है। रघु का शरीर और दिमाग जैसे पाषाण हो गया था। सर आप ये क्या कर रहे हैं, यहाँ तो काफी गर्मी है, आप सब हॉल में बैठिए, हम दोनों सब कर लेंगे। रघु बॉस के हाथों से प्याज काटने वाला चाकू लेते हुए गिड़गिड़ा रहा था। नहीं नहीं रघु, आज हम ये अवसर जाने नहीं देंगे। जाने कितने सालों बाद आज कॉलेज लाइफ के बाद खुद बना करके खाने वाली जिंदगी को फिर से जी रहे हैं हम लोग। हर जगह डिनर या लंच में हम दुनिया भर की भारी भरकम औपचारिकताओं के बीच फंस कर रह जाते हैं, पर तुम्हारी पत्नी की व्यवहारिकता से आज का डिनर स्पेशल हो गया है। दूसरों की तरह दिखावे से अलग तुम्हारी अनु का आत्मविश्वास और मेहमानों के स्वागत का देसी अंदाज लाजवाब है। बॉस की पत्नी ने अनु की तारीफ करते हुए कहा तो रघु अंदर से थोड़ा सामान्य हुआ था। भिंडी, बैंगन और दाल जैसे लजीज व्यंजन आजकल कहाँ कोई परोसता है। एक ही तरह के उबाऊ कॉन्टिनेंटल फूड खाते खाते एकदम बोर हो चुके थे हम सब। बॉस की दोनों बेटियां भी बेहद खुश होकर बताने लगी थी, रघु महिलाओं को किचन संभालने दो और हम दोनों चलो हॉल में एक चादर बिछा लेते हैं, आज तो चादर पर बैठकर डिनर करेंगे हम सब। एक के बाद एक आते सरप्राइज ने रघु को दंग कर दिया था, पर रघु आज अनु को लेकर कितना गौरवान्वित हो रहा था। वो गांव की साधारण देहाती महिला समझकर जिसकी उपेक्षा करता रहा था,
उस अनु ने इतने बड़े कॉर्पोरेट परिवार के वेस्टर्न स्टाइल में खुद घिरने की बजाय सभी को अपने देसी अंदाज में ढाल लिया था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, और वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में लिखकर के अपनी राय जरूर बताएं। और ऐसी ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।